हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे क्लास 12th के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो, आई गेस ऑल स्टेट्स में सेम सिलेबस है इंग्लिश का। सो उसका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आयरनी आई नो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है, बट एनीवेज। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन स्टोरी है, पहले हम उसके राइटर के बारे में जान जाते हैं। तो उस राइटर का नाम है अल्फोंस डॉडे और द लास्ट लेसन इन्होंने लिखा है। अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी जो सेट हुआ है वो 1870 टू 1871 के टाइम पे जो फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था फ्रांस और प्रूशिया के बीच में। प्रूशिया बेसिकली तीन कंट्रीज का ग्रुप था, और वो तीन कंट्रीज कौन कौन सी थी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंट्री थी वो थी पोलैंड। पोलैंड फर्स्ट कंट्री थी प्रूशिया की। सेकेंड कंट्री जो उसमें थी वो थी जर्मनी। एंड सेकेंड जो कंट्री थी वो थी ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट। ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट, ये तीन कंट्री के अलायंस को, इन तीन कंट्रीज के ग्रुप को प्रूशिया कहा गया था उस वॉर के दौरान। और इसके जो लीडर थे वो थे बिस्मार्क। सो फ्रेंको प्रूशियन वॉर ड्यूरिंग 1870 टू 1871 के टाइम पे बिस्मार्क जो इसके लीडर थे उनसे फ्रांस हार गया। अब इसके बेसिस पे फ्रांस के दो जगह एल्सेक और लॉरेन, ये दोनों जगह जो थे वो पोलैंड के अंदर प्रूशिया के अंडर आ गए। अब प्रूशिया के अंडर आ गए और उसके बाद जो उन एरियाज में जो भी रूल्स आए, जो भी रेगुलेशंस आए, जो भी चेंजेस हुए, उन पे डिपेंडेंट ये स्टोरी है। सो हम अपनी स्टोरी को अब स्टार्ट करें। स्टोरी कुछ इस तरीके से है। फ्रेंज नाम का एक बच्चा सुबह लेट से उठा उस दिन, एंड उसको अपने स्कूल जाना था। एंड जैसे ही वो सुबह लेट से उठा, उसको याद आया कि उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उसके टीचर का नाम था मिस्टर हैमल। सो मिस्टर हैमल ने उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। मिस्टर हैमल जो थे वो उसके फ्रेंच टीचर थे। किसके? फ्रेंच के। सो फ्रेंच के फ्रेंच टीचर ने उसको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स याद करने के लिए। फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ पार्टिसिपल्स होते हैं, उनको याद करने का होमवर्क उसके फ्रेंच टीचर ने उनको दिया था। अब जब वो सुबह उठता है तो उसको याद आता है, याद करना तो दूर, मुझे ये भी नहीं पता कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। एंड देन वो अपने विंडो के बाहर देखता है और वो सोचता है कि स्कूल तो मैं आज स्केप कर देता हूँ, कितनी अच्छी चिड़ियों की चहचहाहट है, कितना अच्छा दिन है, मौसम भी काफ़ी साफ सुथरा है, सो आज मैं स्कूल बंक कर देता हूँ। बट उसने अपने आप को बताया और रेजिस्ट किया बंक करने से, एंड देन वो स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ। अब जब वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला और थोड़ी दूर टाउन हॉल के पास पहुंचा, सो टाउन हॉल में उस टाइम पे काफ़ी भीड़ थी। अब टाउन हॉल वो जगह है जहां पिछले दो साल से सभी बुरी खबर उनको मिल रही थी। बुरी खबर इन द सेंस फ्रांस और प्रशिया के बीच की लड़ाई, उसमें फ्रांस का हार जाना और वहां के लीडर्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां आते थे, सारी चीज़ें उनको टाउन हॉल में सुनाई देती थी। सो उसको सोचना पड़ा कि इतना भीड़ आखिर क्यों है यहाँ पे। एंड देन वो सोचा कि अरे नहीं, मुझे तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वहां से वो निकला और थोड़ी देर बाद वो अपने स्कूल पहुंचा। स्कूल में जब वो जाके देखता है तो बाकी दिन जब वो स्कूल जाता था उस टाइम पे काफी भीड़ रहती थी स्कूल में। बच्चों के बोलने की आवाजें आती रहती थी, टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो आवाजें आती रहती थी, बच्चे अपने बुक्स को जब रीड करते हैं एक साथ तो उसके जो बहुत तेज जो आवाज आती थी वो गली तक गूंजती थी। बट जिस दिन वो स्कूल पहुंचा उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल एकदम शांत था, बिल्कुल साइलेंट। एंड जब उसने अपनी क्लास के विंडो से अपने क्लास को देखा तो जो भी उसके फ्रेंड्स थे सब उस क्लास के अंदर बैठ चुके थे। अब उसको काफ़ी अजीब लगा, काफ़ी स्ट्रेंज फील हुआ कि बाकी दिन तो ऐसा नहीं होता बट आज ऐसा क्या है जो इन सब लोग बैठे हैं। एंड देन उसको याद आया कि जब मैं पहले स्कूल जाता था और लेट से पहुंचता था तो इन हल्ले बच्चों के शाउटिंग के बीच में, इतनी भीड़ भाड़ के बीच में मैं छुपते छुपाते क्लास के अंदर पहुंच जाता था, कोई मुझे नोटिस नहीं कर पाता था कि मैं आज स्कूल लेट आया। बट आज तो काफ़ी शांत है हर चीज़, सभी बच्चे अपने प्लेस पे हैं और मिस्टर हैमल भी क्लास के अंदर राउंड मार रहे हैं आगे पीछे रोज के बीच में अपने हाथ में स्केल लेके। तो उसको लगा कि आज तो मैं पकड़े जाऊंगा और आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है मिस्टर हैमल से। एंड देन काफ़ी उसको शर्म भी आ रही थी उस टाइम, काफ़ी शर्मा रहा था वो क्योंकि सब अपने बेंच पे बैठे हैं। एंड अनदर थिंग, उसको डर भी बहुत लग रहा था कि आज तो मुझे डांट पड़ने वाली। बट जब वो अंदर गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मिस्टर हैमल ने उसको ग्रीट किया कि आओ अपने प्लेस पे बैठो वरना हम तुम्हारे बिना ही सेशन शुरू करने वाले थे। उसको काफ़ी स्ट्रेंज फील हुआ कि आज सर ने डांटा नहीं, बट ठीक है वो आया अपने प्लेस पे बैठ गया। एंड देन थोड़ा देर उसको स्ट्रेंज फील हुआ क्लास में। अब स्ट्रेंज उसको किस लिए फील हुआ, क्योंकि उस दिन क्लास में जो बैक बेंचेस खाली रहती थी वो बैक बेंच खाली नहीं थी। उसमें क्लास जो विलेज था उनका जो गांव था एलसेक, वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे थे। काफ़ी अजीब लगा उसको कि जिस जो बेंचेस खाली रहती थी बाकी दिन में, आज यहाँ इतने सारे लोग बैठे क्यों हैं। एंड देन वो ये सब चीज़ें सोच भी रहा था, उसने अपने टीचर को ध्यान दिया मिस्टर हैमल को कि पहली बार उसने ग्रीन कलर का कोट पहना है, हैट पहनी है, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं। बट नॉर्मली जब वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं तो या तो वो इंस्पेक्शन का डे होता है या फिर कोई हॉलीडे होता है, संडे होता है या कोई फंक्शन होता है, बट आज तो वो तीनों नहीं था। एंड ये सब वो अपने माइंड में सोच ही रहा था तो मिस्टर हैमल सेंटर पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि बच्चों ये आज जो है ये मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि प्रशिया से जर्मनी से हमको रूल आया है, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल, वहां से हमारे लिए रूल आया है कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में और फ्रांस लैंग्वेज अब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेसन है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने और जो आगे के जो नए टीचर हैं वो कल आपके पास आ जाएंगे स्कूल में और बाकी के लेक्चर्स आपके नेक्स्ट डे से कंटिन्यू होंगे। तो आज फ्रांस सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर है एंड मैं चाहता हूं कि आप काफी ध्यान से इसको सुने। एलसेक फ्रांस जो था वो एकदम साइलेंट हो गया, उसके ऊपर ये जो थंडर स्टॉर्म गिरा एकदम सरप्राइज, वो सोचने लगा लास्ट लेसन, मुझे तो अभी पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता। अब वो ये भी सोचने लगा कि जो बुक्स मुझे बकवास लगते थे, जिन बैग का वजन मुझे बहुत हैवी लगता था, जो फ्रेंच के लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स मुझे मुश्किल लगते थे, आज वो मुझे मेरे बरसों पुराने दोस्त लग रहे हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। और ये सारी चीजें वो सोच रहा था और उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, वो उनके बारे में सोचने लगा कि मिस्टर हैमल जो थे सडनली उनके लिए उन्होंने ये तोड़ा। फिर उसके माइंड में वो सारी भी चीज़ें आने लगी कि किस लिए आखिर टाउन हॉल में इतना भीड़ था, लोग टाउन हॉल में इसीलिए आए थे। फिर ये भी वो सोचने लगा कि ये जो बैक बेंच में जो गांव के बूढ़े बैठे हैं, गांव के जो लोग बैठे हैं, वो किस लिए आए हैं, ये उनका तरीका था मिस्टर हैमल के 40 ईयर्स ऑफ सर्विस को थैंक्स करने का। और वो ये भी सोचने लगा कि मिस्टर हैमल जी जो नए कपड़े पहने हैं वो भी आज ही के दिन के लिए पहने हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे है। और वो ये सब सोच ही रहा था कि मिस्टर हैमल ने फ्रेंड्स का नाम पुकारा, उसको अपना नाम सुनाई दिया एंड देन उन्होंने उसको पार्टिसिपल्स रीड करने बोले। वो अपने डेस्क पे खड़ा हुआ, टेबल पे खड़ा हुआ अपनी प्लेस पे, और वो बोलने लगा। बस उसने पहला ही वर्ड बोला, फिर उसने तो याद कुछ किया नहीं था एंड देन वो शांति से खड़े हुआ नीचे देखते हुए, उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी ऊपर देखने की। मिस्टर फ्रेंड ने उसको बोला कि डरो मत, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, आज क्या मैं कल याद कर लूंगा, इसलिए हम कई सारी चीजें छोड़ देते हैं कि हम कल याद कर लेंगे। और उन्होंने फ्रेंड्स को बोला कि अब यहाँ के लोग जो हैं, जिनको फ्रेंच लिखना भी नहीं आता, जिनको फ्रेंच बोलना भी नहीं आता, वो अपने आप को फ्रेंच के पीपल क्लेम करेंगे कि हम फ्रेंच हैं लेकिन उनको फ्रेंच लिखना और बोलना नहीं आता। बट इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये वो फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तुम्हारे पढ़ाई पे। तुम्हारे पेरेंट्स सजेस्ट करते थे कि तुम पढ़ाई करने की जगह, तुम फ्रेंच सीखने की जगह खेत में काम करो या फिर मिल्स में काम करो। गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें पढ़ाई करने की जगह, तुम्हें फिशिंग का जब शौक होता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, जब तुम्हें पढ़ना होता था उस वक्त मैंने तुम्हें अपने पौधों पे पानी डालने को कहा। और ये सब बताते बताते मिस्टर हैमल जो है वो बोलते हैं कि फ्रेंच वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल और वर्ल्ड की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। फ्रेंच के लोकल पीपल को अगर उनकी लैंग्वेज काम आएगी, यहाँ पे वो अपने लोकल लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाते हैं कि लोकल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिस्टर हैमल बोलते हैं कि जब लोगों को अपना लोकल लैंग्वेज पता होता है और जब वो गुलाम बनते हैं, तो जो गुलाम उनको बनाया गया, जैसे हमारे इंडिया में हुआ था, हमको याद होगा ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना स्लेव बनाया था, गुलाम बनाया था,
बट ब्रिटिशर्स को इंग्लिश आता था, इंडियंस को हिंदी आती थी, और ब्रिटिशर्स को हिंदी नहीं आती थी। तो जब इंडियंस हिंदी में कम्युनिकेट करते थे, या फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट मैच के बीच में भी देखा होगा कि प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स है वो आपस में हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे जो इंग्लैंड या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती, उनको समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। कई बार हमने ये सुना होगा। सो यही इंपॉर्टेंस वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब अपनी लोकल लैंग्वेज हमको आती है, तो जब हम इंस्लेव होते हैं तो हमको आपस में कम्युनिकेट करके अपनी स्ट्रेंथ बनाने में, अपने प्लानिंग करने में काफ़ी फायदा होता है। सेकंड वो चीज़ ये समझाते हैं कि जब अपना लोकल लैंग्वेज हमको आता है और लोकल लैंग्वेज के पीपल्स हमको मिलते हैं, लोग हमको मिलते हैं, तो हमको अ काइंड ऑफ यूनिटी फील होता है, एक स्ट्रेंथ तरीका, एक स्ट्रेंथ टाइप का हमारे अंदर में आता है। ये सारी चीज़ें वो उसको समझा रहे थे। और उस दिन मिस्टर हैमल सभी के लिए एक कॉपी लेकर आए थे। उस कॉपी पे लिखा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, एल्सेक जगह का नाम और फ्रांस कंट्री का नाम। अब उस पे थोड़ी देर बाद वहाँ जो क्लास था इतना साइलेंट था कि वहाँ सिर्फ एक साउंड आ रही थी, पेन की स्क्रैचेस की, स्क्रैचेस की। उस कॉपी पे लोग लिख रहे थे, जो भी लोग थे वो अपना लिख रहे थे, उन्होंने लिखने के लिए उनको वर्क दिया था, और सभी काफ़ी साइलेंट थे। सभी के चेहरे पे एक तरीके की उदासी थी कि मिस्टर हैमल का ये लास्ट लेक्चर है। फ्रेंड्स भी अपने माइंड में सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले मुझे ये सारी चीज़ें बेकार लगती थी, आज मुझे इतने पसंद आने लगी। उसको काफ़ी गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया मिस्टर हैमल के लेक्चर्स को, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। वो लिखते टाइम भी, मौसम काफ़ी अच्छा था, वो लिखते टाइम भी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी, बट उस टाइम फ्रेंड्स को किसी चीज़ ने डिस्टर्ब नहीं किया। उसको लगने लगा कि आज तक मिस्टर हैमल ने जितने लेक्चर लिए हैं, आज का लेक्चर उनके लिए सबसे बेस्ट लेक्चर था। ये सारी चीज़ें वो सोचने लगा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा, पिजन्स बैठे थे, और उसने अपने माइंड में सोचा कि क्या जर्मन पिजन से भी जर्मन में बात करवाएंगे। एंड देन ठीक 12 बजे क्लास एंड होने की घंटी बजी, पीछे वाले ग्राउंड में, स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है वहां जर्मन आर्मी का परेड के थंडर के साउंड आ रहे थे, उनके जो परेड के बैंड बज रहे थे वो सारी चीजें का साउंड आ रहा था। और जैसे ही बेल लगा, मिस्टर हैमल उठे और वो कुछ बोलना ही चाहते थे बट ब्लैंक हो गए, वो ऑलमोस्ट वो उनके गले में चोक हो गया, इमोशनल हो गए वो। एंड देन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो पलटे और अपने बोर्ड में उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। एंड अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया और बोला कि क्लास ओवर हो गया है, अब आप जा सकते। So, ये तो हमारा स्टोरी था। अब इस स्टोरी के बाद जो हमको सीखना है वो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आया होगा, बट अब हमको ध्यान देने है कि एग्जाम्स में हमसे इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो देखिए, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स बता देता हूं जो इस स्टोरी में आए हुए हैं, जो टफ वर्ड्स हैं जिन पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ टफ वर्ड्स ये हैं, टेम्प्टिंग। टेम्प्टिंग मतलब होता है उकसाना, किसी चीज के तरफ हमारा लालच बढ़ना, या किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज को पाने की चाह, ये टेम्प्टिंग होता है। रेजिस्ट मतलब खुद को रोकना, रेजिस्ट मतलब खुद को रोकना, रेजिस्टेंस, उसी तरीके से रेजिस्ट यानी खुद को रोकना। नेक्स्ट होता है हमारा लिंग्विस्टिक। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी होता है लैंग्वेज से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उन लिंग्विस्टिक उनको कहा जाता है। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जो ग्रुप्स होते हैं एक लैंग्वेज को बिलोंग करने वाले, उनको कहा जाता है लिंग्विस्टिक। एंड दैट लिंग्विस्टिक, उसी लिंग्विस्टिक जो है, यानी उसका मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा टफ वर्ड है वो है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन द सेंस, कोई ऐसा पर्सन जो लो वेजेस पे काम करे कुछ स्किल सीखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है कमोशन। कमोशन मतलब होता है नॉइस या फिर एक्साइटमेंट, एक तरीके के एक्साइटमेंट को कमोशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉलेम और ग्रेव। तो सॉलेम या फिर ग्रेव का मतलब होता है, ये दोनों वर्ड इस चैप्टर में यूज हुए हैं और इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, मीन्स सीरियस,
किसी सीरियस चीज को सॉलेम कहा जाता है, सीरियस, इसका मीनिंग होता है सीरियस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी बकवास, एक तरीके से हम कह सकते हैं बेकार, विदाउट एनी यूज, बिना यूज का जो चीज होता है उसको न्यूसेंस कहा जाता है। या फिर अलग सेंस में बात किया जाए तो न्यूसेंस क्रिएट करना यानी होता है हंगामा मचा देना। सो एक तरीके का निगेटिव सेंस में ये वर्ड। एंड बाकी जो अदर वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, आप उनको गूगल में सर्च कर सकते हैं। और अगर वहां भी आपको सर्च नहीं करना, ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, कमेंट पे आप यहाँ पे उस वर्ड को डाल दीजिए कि इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, मैं सारे कमेंट्स को रीड करूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी लेक्चर आप देख रहे हो, बुक को अपने पास ना रखे, इट वुड बी बेटर, क्योंकि एग्जाम में आपको जाके आंसर खुद से बनाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर आप आंसर रट के जाएंगे तो शायद आपको वही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आए, बट अगर आप स्टोरी को समझ के जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सो ये भी जितने भी क्वेश्चंस है इनके आंसर रटे रुटाए नहीं होने चाहिए, आपको अपने माइंड में जो आंसर आपको आ रहा है वो आपको लिख के आना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, वॉट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। अब इस क्वेश्चन को आप समझो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो है वो किस चीज के लिए प्रिपेयर था उस दिन स्कूल में। सो हमने जब स्टोरी को हमने पढ़ना शुरू किया तो हमको पता चला कि फ्रेंड्स जो है अपने माइंड में सोच रहा था कि मिस्टर हैमल के पास जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मुझे काफी डांट पड़ेगी एंड मिस्टर हैमल मुझे पनिश करेंगे। ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी। सो वो प्रिपेयर किस चीज के लिए था, मिस्टर हैमल से डांट खाने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो इस तरीके से आपको स्टोरी से रिलेट करना है क्योंकि स्टोरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बट अगर आप स्टोरी में क्वेश्चन के आंसर रट लेंगे, स्टोरी को समझेंगे नहीं, तो आप एडिशनल क्वेश्चंस उससे क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि हॉट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट में हम जब हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। क्यों कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि हमको पता है कि बर्लिन से जो चेंजेस के रूल आए थे वो कौन से रूल आए थे। एक बार आप अपने माइंड में बताइए कि बर्लिन से जो रूल आए थे वो क्या थे। वो रूल थे कि हर स्कूल में जर्मन सिखाया जाएगा, फ्रांस किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है स्कूल में क्या चेंज आया उस दिन। ये नहीं पूछा गया कि बर्लिन से ऑर्डर किस टाइप के चेंज के ऑर्डर आए, ये पूछा गया कि बर्लिन से जब ऑर्डर आया तो स्कूल में किस टाइप के चेंज हुए। और ये हमको कहां पता चलता है, जब फ्रेंड्स अपने स्कूल पहुंचा तो स्कूल में किस तरीके के चेंजेस थी। जब फ्रेंड्स बाकी दिनों में स्कूल जाता था तो वहाँ काफ़ी बच्चों के शोर गुल की आवाज़ आते रहती थी, बच्चे पढ़ते रहते थे उसकी आवाज़ आती थी, बच्चों के टेबल की बेंच की आवाज़ आती थी, टीचर्स के बोलने की आवाज़ आती थी। बट जिस दिन वो स्कूल गया ये रूल के बाद, उस दिन काफ़ी साइलेंट था स्कूल, सभी बच्चे अपने प्लेस में थे, टीचर भी साइलेंटली पढ़ा रहे थे, बैक बेंचेस जो खाली होती थी उस पे गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये सारे मेजर चेंजेस उस दिन स्कूल में दिखाई दिए। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रिलेट होगा कि स्कूल में किस टाइप के चेंजेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। अब क्वेश्चन को हम तोड़ के ब्रेक करके लिखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो लोग इस स्टोरी में है। क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक करके रीड करेंगे काफी आसानी होगी आपको इसको आंसर करने में। सब ये पूछ रहा है कि जो पीपल थे इस स्टोरी में उनको अचानक क्यों रियलाइज हुआ कि कितना प्रीशियस उनका लैंग्वेज उनको है। आपको ये किस तरीके से पता चलता है कि उनको ये रियलाइज हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ये तीन चीज इस क्वेश्चन में पूछे हैं। सो अब सडनली उनको अपना लैंग्वेज प्रीशियस क्यों लगने लगा, क्योंकि वो लास्ट लेसन था। अब उनको लग रहा था कि अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले हैं और मिस्टर हैमल ने उनको इम्पॉर्टेंस समझाई फ्रेंच लैंग्वेज की। और फ्रेंच लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस समझाई, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि हम जब स्लेव होते हैं तो हमारे कॉमन लैंग्वेजेस हमारे हेल्प करते हैं उससे बचने के लिए। सेकेंड मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेंच मोस्ट ब्यूटिफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। थर्ड मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है उससे एक यूनिटी और स्ट्रेंथ हमारे अंदर फीलिंग आती। फ्रेंच नहीं, कोई सा भी लोकल लैंग्वेज, बट ये इस चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए हम उसको फ्रेंच के कंटेक्स्ट में बोलेंगे।
सो आपको ये सारी चीजें उसमें लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा आपको कैसे पता चला? ऐसा हमको पता चला कि सभी बिल्कुल साइलेंटली अपने कॉपी में लिख रहे थे और सभी के माइंड में एक तरीके की उदासी थी, ऐसा इस स्टोरी में बताया गया। तो ये चीज कि उनको प्रीशियस लगने लगा, ये हमको इस चीज से पता चलता है। थर्ड है व्हाई डज दिस हैपन? तो व्हाई डज दिस हैपन का आंसर हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किए हैं वो भी सेम चीज है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको आपको देखना है स्टोरी से रिलेटेड, क्योंकि स्टोरी तो आपको समझ आ ही चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपना देखें, सो आई गेस कि आप जो है वो टफ लेवल के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस अब हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मींस? सो लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। अब मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। लिंग्विस्टिक मतलब मैंने आपको क्या बताया है, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। अब लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का मतलब ये होता है, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, सो चौविनिज्म यानी होता है एग्रेसिव बिलीफ, मीन्स कट्टरता। कट्टरता हमने कई बार सुना है, सो चौविनिज्म मतलब वो होता है। अब जब हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करें तो इससे हमारा जो मीनिंग सामने आ रहा है वो है कि इस तरीके का बिलीफ, इस तरीके की कट्टरता कि हमारा लैंग्वेज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और हमको इसी चीज को इस स्टोरी के कंटेक्स्ट पे एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर लिखना है। सो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम एक दो लाइन पे लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का मीनिंग एक्सप्लेन कर देंगे आंसर में, एंड देन हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि जब हम कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज हम शेयर करते हैं, तो हमको अंदर से एक तरीके की यूनिटी एंड स्ट्रेंथ की फीलिंग आती है, और इसी यूनिटी और स्ट्रेंथ की वजह से हमको प्राइड महसूस होता है अपना लैंग्वेज, अपना जो लैंग्वेज ओन लैंग्वेज है हमारा वो हमारे साथ कई लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सारी चीजें अपने लैंग्वेज के मेरिट्स को देखते रहते हैं कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, हमारा यूनिटी स्ट्रेंथ है, हम ये भूल जाते हैं कि और भी लैंग्वेज है और उन लैंग्वेजेस के भी मेरिट्स हैं, एंड इसी को लिंग्विस्टिक चौविनिज्म कहा जाता है। और ये सारी चीजें जब हम एक्सप्लेन करेंगे, सो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो हमको इसको ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, तो हम स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें डाल देंगे। जैसे फ्रेंड्स को काफी प्रीशियस लगने लगा, जो मिस्टर हैमल ने इंपॉर्टेंस समझाए थे फ्रेंच लैंग्वेज के, इन सारी चीजों को हम इस क्वेश्चन से रिलेट करके पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर इसके सामने आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये तो सिर्फ अप्रोच करने के लिए कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, बट अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस विद आंसर चाहिए, और इन क्वेश्चंस के भी जो आंसर है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का भी, दोनों जगह पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि इसमें हमको लैंग्वेज के प्रति कट्टरता को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और जो इसका डिटेल्ड आंसर है वो आपको टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्राइजन। ये वर्ड सेंटेंस जो है वो मिस्टर हैमल ने जो जब वो इंपॉर्टेंस बता रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज का तब यूज किया था, आप बुक में जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन यहां तक हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि क्वेश्चन रिलेट किससे कर रहा है, हमको किस जगह पे जाके आंसर ढूंढना है, मिस्टर हैमल की उस स्पीच पे जाके हमको आंसर ढूंढना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन किस टाइप का आंसर चाहता है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज ऑन देम। अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि ये हमारा जो सेंटेंस है, यहां से यहां तक के जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड हमको आंसर लिखना, और इसके रिलेटेड हमको क्या आंसर लिखना है कि क्या हमारे माइंड में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां किसी कंट्री से उनका लोकल लैंग्वेज छीन लिया गया और बोला गया
कि आपको दूसरा लैंग्वेज पढ़ना है, दूसरा लैंग्वेज उनके लिए इम्पोज किया गया कि आपको यही लैंग्वेज पढ़ना है। सो अब एक एग्जाम्पल तो हमारे पास फ्रेंड्स का ही है, लेकिन छोटा एग्जाम्पल है, काफी बड़ा नहीं है, हमको तो आंसर बड़ा लिखना है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। आई गेस ये अगर हम इस पे आंसर लिखें तो ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी रेंज करता है, मीन्स हमको 120 वर्ड्स तक के आंसर तो लिखने होंगे। सो इंग्लिश में हम करते क्या है, जब हमको आंसर लिखना होता है, लंबे आंसर लिखने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इससे रिलेटेड कुछ वो लिख देंगे कि हमारी जो मदर टंग है, हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, उसका हम इम्पोर्टेंस लिख देंगे, और वो सारी इंपॉर्टेंस तो हमको स्टोरी से पता है। ये सारी चीजें करके हम आंसर के लेंथ को बढ़ाते हैं। अगर ये क्वेश्चन छोटे फॉर्म में आया तो हम सीधा फ्रेंड्स का एग्जाम्पल हम वहां पे फ्रेंड्स का डाल देंगे, बट ये लंबा क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, पहले हमको थोड़ा ये बताना है कि मदर टंग जो हमारा होता है, लोकल लैंग्वेज जो होता है, वो उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। और ये चीज जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद हमको लिखना है कि जब कोई कंट्रीज बाहर से आती थी, तब वो हम पे जो हमारा लोकल लैंग्वेज है वो हमसे छीन के अपना लैंग्वेज क्यों इम्पोज करती थी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे कि जब कोई कंट्री हमसे हमारे लोकल लैंग्वेज छीन के हम पे उनका दूसरा लैंग्वेज इम्पोज करती है, तब हमारी जो लैंग्वेज की वजह से जो यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो हमसे छीन जाती है, जिसकी वजह से हमारी यूनिटी टूट जाती है, इससे उनके फायदे होते हैं। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये दोनों जब चीज़ें हम लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 to 5 लाइन्स का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन हम उस पर एग्जाम्पल डाल देंगे। अब इस आंसर पे अगर हम फ्रांस का एग्जाम्पल डाल दें तो उतना अट्रैक्टिव आंसर हमारा कुक नहीं होगा, इससे अच्छा हम कहीं और का एग्जाम्पल डालें। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, अरेबियंस जो थे, पर्सियंस जो थे, मुगल्स इंडिया में आए थे, ये जब आते थे तो हमसे हमारी लोकल लैंग्वेज छीन लेते थे और अपना जो लैंग्वेज है वो हम पे इम्पोज करते थे। इससे इनको ये फायदा होता था कि हमारी जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाती थी और इनका जो था डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम था वो उनका वर्क कर जाता था। सो इस तरीके से हमारा एक परफेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस रीड कैसे करने हैं और आंसर किस तरीके से फॉर्म करने हैं। एंड ये दोनों चीज करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को समझना, जो स्टोरी है, जो बेस है चैप्टर का, उसको समझना। सो ये जो थे वो तो एग्जाम्पल क्वेश्चन थे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो पीडीएफ जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, और हमारे एप्लीकेशन से भी मिलेगा। और आपको ये चीज तो पता है कि हमारे चैनल पर जो ओरिजिन का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे नोट्स के कोई चार्जेस नहीं लगते, इसीलिए आपको दोनों नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड किसी भी चीज का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए बेझिझक, वहां पे मैं आपका कमेंट 100% रिप्लाई करूंगा, और कुछ भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।